मुझे ट्रिप नहीं मिला कोटरा पर, तो अभी का लगभग 6:10 हो रहे हैं, तो मैं निकल रहा सीधा घर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के ब्लॉग में। और गाइस अभी सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं और अभी मैं आ चुका हूं मैं तो मंदिर के इधर। तो गाइस अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पोर्टल का डिवाइस लॉगिन करता हूं और जैसे मुझे ट्रिप आएगा ना मैं आपको वैसे बता दूंगा उसका पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन, ठीक है। वैसे गाइस मुझे अब तक कुछ कोई प्राइवेट ट्रिप नहीं है, लेकिन गाइस आने वाले वक्त में ना प्राइवेट ट्रिप बहुत होने वाले। और गाइस पोर्टल का जो ऐप है ना वो मैं कम यूज करने वाला हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कॉल पे कॉल आ रहे तो मैं यहाँ वहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे जो भी गाड़ी बीड़ी चला है उनको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो गाइज बोलते हैं ना कि मैं नंबर, और एक गाइज कल हादसा क्या हुआ, मैं नंबर बहुत लोग को देता हूँ लेकिन आधे लोग गाइज अच्छे अच्छे बातें करते हैं और आधे लोग हेल्प मांगते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ ट्रांसपोर्ट लाइन के बारे में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लेकिन आधे लोग है ना गाइज धमकी देते हैं, जैसे कि देखो मैं जो उनको लग रहा है कि मैं धमकी से डर जाऊँगा, तो बता देता हूँ उनको खुला चैलेंज है भाई, जब भी मिलोगे ना सामने सामने बोलना, वो कॉल पर बात मत करना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके, ठीक है। जहाँ भी बोलो वहाँ जाऊँगा मिलने के लिए, टेंशन मत लो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो घर पे बैठ के बोलूँगा सॉरी भाई करके, तो उसको जो बोला है भाई उसको मालूम पड़ जाएगा, वीडियो देखता रहेगा मेरा। तो आपको बता देता गाइस, देखो मतलब हेल्प करता हूँ, गलत करता हूँ इतना मेरे को बता दो, सिर्फ बताओ गलत करता हूँ नहीं ना, तो बस ना, तो मेरे को वही किसी चीज़ का डर नहीं है। और गाइज अब बोलते हैं ना कल का ब्लॉग क्यों नहीं है, मतलब कल का ब्लॉग मैंने पूरा शूट कर लिया, एडिट वगैरह कुछ किया नहीं, क्योंकि बैक पेन की वजह से, तो बैक ज़्यादा पेन हो रहा था, फिर से डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन लिया, उससे रेस्ट किया। तो गाइज इधर सुबह उठाऊ तो सोचा कि वो ब्लॉग कभी ना कभी तो एडिट करके पोस्ट कर दूंगा, तब तक वही अभी कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल गाइज अभी पोर्टल का डिवाइस लॉग इन करता हूँ, जैसे मुझे ट्रिप आएगा फिर आपसे वैसे मिलता हूँ, ठीक है। इसको लॉग इन करो जरा, सेम है क्या, देखता हूँ नेट स्लो है क्या, नहीं बराबर है क्योंकि नहीं बराबर है, किसी का चेंज भी रहता है क्या, चेंज रहता है किसी का, बहुत लोग का ऐसा चेंज है। अच्छा, हो सकता है नया अपडेट अभी आया जो होगा, अपडेट अभी मारना पड़ेगा थोड़ा, अब देखते हैं। मेरे को तो ट्रिप ही नहीं है, 10:30 बजे आया हूँ, एक भी नहीं मारा हूँ, मतलब आया ही नहीं है, एक भी ट्रिप आया नहीं है आपका। अच्छा, मतलब लेट आते हो भाई, लेट जाते हो घर पे, मैं आपको देखा हूँ 11:30 बजे तक ट्रिप मारते हो आप, 11:10 किसी दिन 2 बजे आता हूँ, 1 बजे 2 बजे 12 के बाद ही आता, 12 के बाद ही जो अपना टारगेट है कंप्लीट करके, लेकिन हो जाता है तो भी हो जाता है, वैसे भी आके साला भाड़ा नहीं लगता, बैठा ही रहता हूँ। नहीं बराबर है भाई, 11 के बाद आता हूँ। मतलब ब्रांडिंग करके कुछ फायदा है क्या, मतलब ब्रांडिंग करके फायदा होता है, ब्रांडिंग करके मतलब सेकंड लग जाता है ना सर, बैंडिंग। हाँ, इसके लिए जरूरी हो गया है, बैंडिंग तो नहीं किए हो ना? मैंने ब्रांडिंग किया हो अभी, नए मतलब नए लॉग इन किए क्या? नहीं, मेरे को हो गया 3.5 साल, इसमें दिखाता नहीं है किसमें, मालूम पड़ता है ना ब्रांडिंग का, मेरे बहुत लोग बोलते हैं करो, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, तो सोच रहा हूँ अभी करने के लिए, देखता हूँ। सेकंड लगा है कि नहीं तुम्हारे? 10 सेकंड का मेरा टाइम है, वही ब्रांडिंग लगाऊंगा तो 10 सेकंड रुकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। लगा और प्रीमियम लेने का मतलब नहीं है, तो प्रीमियम भाड़ा उठा नहीं सकते, प्रीमियम में मजा नहीं है, 1500 रुपया भरना पड़ेगा और क्या, वही देखते हैं अभी। सो हे गाइस, अभी मैंने बात कर लिया गाइस स्पोर्टर वाले से, तो जो अंकल थे ना जैसे कि आपने देख लिया होगा गाइस, उनसे थोड़ा मैं बात कर रहा था, हर एक चीज का उनसे बात किया। और गाइज वो अंकल है ना एक दो बजे तक ट्रिप मार रहे, सोचो गाइज मतलब उल्टा मुझे मारना चाहिए, क्योंकि मैं गाइज उम्र में छोटा हूँ, और जितना भाई बोलते ना उनकी तो थोड़ी अभी उम्र हो चुकी है, जैसे वो 34-35 एज के रहेंगे, वो गाइज सोचो एक दो बजे तक ट्रिप मार रहे, तो मैं भी आज से ना गाइज थोड़ा लेट घर पे जाऊंगा भाई। जो इंस्पिरेशन मिला ना उनसे सच्ची में, मतलब मेरा अर्निंग भी ज्यादा हो जाएगा, और उनका गाइज मैंने अर्निंग देखा बहुत बढ़िया था, क्या ही बोलूं, मैं खुद हैरान हो गया। और गाइज उनका ऐप और मेरा ऐप सेम है, और किसी का पोर्टल का ऐप है ना सेम नहीं है, उसमें ना गाइज कोई ऐप में ना अपने हेल्पर चार्ज दिया है, और प्लस गाइज उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करके दिया है पोर्टल वाले ने, तो ये सब मुझे जानना है कि कैसे होगा। मैंने तो ऐप अपडेट कर दिया हूँ अपना प्ले स्टोर से, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है, तो मुझे करना है, पोर्टल वाले से बात करता हूँ मैं। और गाइज बोलते ना मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्रांडिंग का सोच रहा हूँ, क्योंकि
दस सेकंड रुकने से अच्छा कोई बड़ा ट्रिप आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और गाइस देखो प्रीमियम भरना कोई बोलते ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1500 रुपये जाएगा महीने का। तो वही वो भी बोले मेरे को 1500 रुपये महीना, तो सोचो गाइस 12 महीने का कितना जाएगा सोचो गाइस। उल्टा वो ब्रांडिंग करवा लूंगा तो जो भी मेरा आता है ना गाइस, ये भी पानी वगैरह आता है ना थोड़ा साइड साइड से रिबिट से, वो भी मेरा बंद हो जाएगा क्योंकि स्टिकर के कारण। तो सोच रहा हूँ, देखता हूँ जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा बता दूंगा ठीक है। तो फिलहाल गाइस अभी एक भी ट्रिप नहीं है, सोचो गाइस 12 बजने अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तो सोचो आप क्या ही करूँ बताओ। तो जो भी ब्रांडिंग वाले सब ऐसे घूम रहे मेरे सामने ट्रिप लेके भी भाई मेरे को इतना बुरा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्टेबल करेंगे मन को और डाइवर्ट नहीं होने देंगे ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा वेट करता हूँ, तो ट्रिप आएगा फिर आपसे वैसे मिलता हूँ ठीक है। तो हे गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन, जैसे कि गाइस आप पीछे देख सकते हो डैमेज है सर में क्यों, और यहाँ पे अपना गाड़ी गाइस अभी फटाफट लोड हो जाएगा। तो लगभग गाइस है ना यहाँ पे मुझे ना कुछ 5-10 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि कितना 12-14 टायर से मुझे लेके जाना है खार में। और गाइस ट्रिप का अमाउंट डन हो चुका है लगभग कुछ, मैं आपको लास्ट में बताऊँ ठीक है। तो फटाफट गाइस अभी पीछे मटेरियल लोड कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ठीक है। तो भाई गाइस फाइनली अभी मैं निकल चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन खार वेस्ट में। तो गाइस अब मैंने आपको बोला था ना प्राइवेट ट्रिप मेरा चालू होने वाला वापस, क्योंकि मैंने सबको कॉल कर दिया था कि भाई जो भी है ट्रिप मुझे कंफर्म करो। और संडे को गाइस है ना बोलते ना विजिटिंग कार्ड मेरा प्रिंट होने चले जाएगा, पहले मेरा विजिटिंग कार्ड था तो मैं भी सब मतलब खत्म हो चुका था। तो संडे को प्रिंटिंग करके वापस मुझे इंडस्ट्री में हर एक जगह बांटना पड़ेगा मेरा कार्ड, तब जाके गाइस बोलते ना मेरी गाड़ी चलती रहेगी। तो कहीं रुकने से अच्छा ना गाइस वही बोलता ना छोटा मोटा प्राइवेट ट्रिप मार लूंगा वो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। तो वही देखते हैं अभी, सब प्लान पूरा चालू है मेरा, तो पूरा आपको ब्लॉग में पूरा बता दूंगा। तो फिलहाल गाइस बोलते ना मेरे को यहाँ से लगभग खारवे जाने के लिए ना गाइस लगभग 45 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि तो एयरपोर्ट रोड पे थोड़ा बोलते ना भीड़ है, तो भीड़ मतलब गाइस ट्रैफिक है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, तो जो भी देखा आपको पूरा बता दूंगा ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अपने ड्रॉप लोकेशन पे। तो है गाइस जैसे कि आप देख सकते हो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ खारदंडा। और गाइस देखो यार यहाँ पे ना लोकेशन देखो गाइस क्या प्यारा लोकेशन दिख रहा है, लेकिन गाइस बोलते ना यहाँ पे थोड़ा रुका मेरा पूरा फेस है ना गाइस पूरा नमक नमक जैसा हो गया, पूरा खारा पानी है ना गाइस यहाँ पे ज्यादा करके इसके वजह से। तो गाइस यहाँ पे आने के लिए ना एक रोड है मतलब जो जिसको कोस्टल रोड कुछ बोलते हो गली, वहां से आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ना गाइस एक मंदिर है राम मंदिर बहुत फेमस है, लेकिन वो मंदिर के जाने के लिए ना गाइस थोड़ा भी रोड का काम चालू था तो इसके वजह से गाइस 3-3.5 किलोमीटर मतलब बोलते ना घूम के आना पड़ता है ये स्पॉट पे आने के लिए। सो बोलते ना गाइस अपने ट्रिप का अमाउंट भी बढ़ चुका है, तो पहले ट्रिप का अमाउंट था गाइस मेरा 550 रुपया, लेकिन अभी कस्टमर को मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके, तो गाइस 750 और 800 के बीच में अपने को पैसा मिल जाएगा। तो जो भी रहेगा आपको मैं लास्ट में बताता हूँ ठीक है, कस्टमर ने मुझे कितना पेड किया वैसे मैं उनको बोल दिया था इतना इतना लग जाएगा करके। लेकिन गाइस यहाँ पे थोड़ा आगे ना थोड़ा मजा आ गया, थोड़ा फील एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सिर्फ वो यहाँ का मच्छी बिच्छी का बास बहुत है, बहुत 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 मतलब बहुत। देखिए जैसे कि गाइस आपको बता देता हूँ, रुक जाओ मच्छी देखो ये देखो 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 गाइस यहाँ पे मच्छी है पूरा, ये आपको बालू लग रहा रहेगा यहाँ पे पूरा लेकिन मच्छी है देखो गाइस। हे गाइस अभी मैं हूँ खार वेस्ट में, और अभी गाइस आपको क्या ही बताओ, देखो गाइस लगभग है ना 3:15 हो चुके हैं, बहुत भूख लगा था तो देखो ये एक 10 वाला चिप्स लियो और दो कुरकुरे लियो, समोसा पाव ये सब खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ना गाइस उससे ना ज़्यादा गर्म लगता है भाई बॉडी के अंदर, इसलिए मैं खाता नहीं हूँ अभी, मतलब कल खाया था कभी कभार खा लेता हूँ क्या करे भाई गाइस भूख लगे तो सब खाना ही पड़ता है। तो बोलते ना गाइस अब तक भाई ट्रिप आई नहीं है, आपको गाइस बता देता हूँ जो 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 है भाई बोलता हूँ आपको, सिर्फ पोर्टर पे 2 ट्रिप आया मेरे को सुबह मतलब सुबह से अभी तक सिर्फ 2 ट्रिप आया, वो भी किसी ना किसी ने उठा लिया, मतलब गाइस बोलता है 10 सेकंड के पहले जो ब्रांडिंग वाले रहते हैं वो लोग ने उठा लिया। एक अंधेरी का ट्रिप था, एक साकिना का ट्रिप था, बस इतना 2 ट्रिप आया, उसके बाद ट्रिप ही नहीं आया। मैं क्या ही करे बताऊँ, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ना सच्ची में, हालत पूरी बेकार हो जाती है। सिर्फ एक ही ट्रिप अब तक मारा हूँ प्राइवेट, वो भी थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट है, कुछ नहीं सीएनजी इतना भी ज़्यादा कुछ गया नहीं, तो जो भी है पैसा का इस पूरा प्रॉफिट ही है मेरे लिए। तो देखते हैं यहाँ से मुझे ट्रिप मिलना चाहिए, छोटा मोटा ट्रिप मिले थोड़ा तो गाइस थोड़ा तो कवर हो जाऊँ, अभी देखते हैं।
कितना टाइम लगता है ट्रिप आने के लिए, तो जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूंगा। तब तक ये लाया तो अभी कुछ खा लेता फटाफट, भूख तो कम से कम गाय थोड़ी मिट जाएगी इसकी वजह से। तो मिलते हैं सीधे ट्रिप आने पर, ठीक है। तो फाइनल दोस्तों मुझे आ चुका है पोर्टर पे ट्रिप, और अभी गाइस लगभग है ना 3:50 हो रहे गाइस, बहुत टाइम के बाद भाई पोर्टर पे ट्रिप आया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन सांता क्रूज वेस्ट में, जो एसएनडीटी कॉलेज है ना वहाँ पे जा रहा हूँ। और गाइस मेरा ड्रॉप लोकेशन है मलाड वेस्ट में चिकुवाड़ी में। तो गाइस बोलते ना यार इतने टाइम के बाद ट्रिप आया, और ये गाइस ये ट्रिप सक्सेस ट्रिप है, बोलते ना इसको मैं भी यही बोलूंगा। क्योंकि गाइस देखो जो दो ट्रिप आया था वो तो पोर्टर वाले ने मतलब जो भी ब्रांडिंग करते वो लोगों ने उठा लिया, तो ये ट्रिप मुझे मुश्किल से मिला है जैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अभी जाता हूँ फटाफट गाइस कस्टमर के पिकअप लोकेशन और मिलता हूँ, ठीक है। सो हे गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ अपने ड्रॉप लोकेशन मलाड वेस्ट में, चिकुवाड़ी में जाना है। सो गाइस बोलते हैं ना दो स्प्रे मशीन है वो मुझे सिर्फ लेके जाना है मलाड वेस्ट में। तो बहुत टाइम के बाद गाइस ट्रिप आया है तो इसे फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद गाइस बोलते ना एक ट्रिप और मारने का क्षमता रखूंगा और कंप्लीट करूंगा। तो जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा मालूम पड़ जाएगा। तो अभी निकलते गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी निकलते सीधा अपने ड्रॉप लोकेशन, ठीक है। कहाँ लेगी? इतना ही था। सो फाइनली गाइस मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट, पेमेंट वगैरह गाइस पूरा ले लिया हूँ। तो अभी मैं गाइस अभी सीधा निकल रहा हूँ, देखते हैं यहाँ से ट्रिप मिलेगा तो आपको पूरा बता दूंगा। फिलहाल गाइस अभी मैं हूँ वृंदावन स्टूडियो के अंदर जो कि मलाड वेस्ट में। तो आपको मैं स्टूडियो गाइस दिखा देता हूँ कितना बड़ा स्टूडियो है। तो अभी जैसे गाड़ी निकालूंगा ना देखो गाइस वो साइड में जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाइस देखो वो साइड में पूरा स्टूडियो है, बहुत बड़ा सेट लगा हुआ है और अंदर शूटिंग चालू। मैं आपको दिखा देता हूँ जितना मुझे पॉसिबल होगा मैं आपको उतना बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाता हूँ गाइस स्टूडियो के बाहर, फिर वहां से लॉग इन हो जाता हूँ, फिर जैसे मुझे ट्रिप आएगी वैसे मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखो ये साइड पूरा सेट बन रहा है बहुत बड़ा, और गाइस देखो ये पूरा देखो सेट है, देखो गाइस कोई मानेगा भी नहीं इतना बड़ा सेट है ये। सो गाइस हर बार की तरह गाइस अभी मुझे ट्रिप नहीं मिला पोर्टर पर। तो अभी गाइस लगभग 6:10 हो रहे हैं, तो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा घर, और गाइस मेरा अभी मूड भी नहीं है ट्रिप पे मारने का। एक तो गाइस इतना इरिटेट हो चुका हूँ ना, आज तो सुबह से एक ही ट्रिप वो भी प्राइवेट, और सेकंड गाइस एक पोर्टर, क्या ही बोले बताओ पागल हो जाता है गाइस इंसान। मतलब गर्मी में इतना वेट करो ट्रिप के लिए, वो भी ट्रिप आ रही है तो भाई कोई ना कोई जो भी रहेंगे पोर्टर पार्टनर से उठा ले रहे ब्रांडिंग वाले, वही मैं भी पोर्टर से बात हूँ जो भी है ब्रांडिंग का। तो देखते आने वाले वक्त में वो भी जाएगा या नहीं भी हो सकता है, तो जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में देखने पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल, अभी सीधा घर जाऊँगा आराम करूँगा और कुछ नहीं, पूरा फर्स्ट एड हो चुका हूँ, सर बहुत दर्द कर रहे हैं। तो मिलते गाइस सीधा अपने पार्किंग में, ठीक है। सो हेलो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पार्किंग में, और अभी गाइस लगभग 6:00 गाइस अभी मतलब लगभग 6:30 चुके, ज़्यादा टाइम लगा नहीं यहाँ पे आने के लिए। तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, थोड़ा माइंड थोड़ा बोलते ना एकदम शांत हो चुका है। इतना आज खराब हो गया ना सच्ची में गाइस, आपने देख लिया होगा पूरा ब्लॉग, पूरा का पूरा मूड अप। एक तो सुबह से ट्रिप नहीं था, और ऊपर से भाई वो बोलते ना कोई ट्रिप उठा ले रहा है। अच्छा हुआ गाइस एक प्राइवेट ट्रिप मिला, उसमें मेरा थोड़ा कवर हो गया, नहीं तो आज कुछ नहीं होता, बिल्कुल बोलते ना बिल्कुल लॉस होता। जैसे कि आपको बता देता हूँ गाइस जो मैंने प्राइवेट ट्रिप मारा ना वो ट्रिप में ना लगभग 650 का था, लेकिन गाइस जो थोड़ा 3 किलोमीटर जो घुमा ना इधर उधर मतलब थोड़ा लोकेशन थोड़ा चेंज हो गया था, क्योंकि वो रूट पूरा रोड पूरा खोद के रखा था, इसलिए गाइस पूरा घूम के जाना पड़ा मेरे को, पूरी हालत खराब हो गई वहाँ पे भी। एक्चुअली क्या होता है गाइस देखो लोकेशन बराबर रहेगा तो ठीक रहता है, लेकिन लोकेशन गलत हो जाता है ना फिर गाड़ी लेके फिर इसको पूछो उसको पूछो पूरा दिमाग पूरा खराब हो जाता है। एक तो अपना गाड़ी छोटा नहीं, अपना गाड़ी वही बड़ा गाड़ी है, बाइक वगैरह रहता तो बहुत सिंपल रहता, लेकिन बाइक बोलते ना गाइस गाड़ी बड़ा है तो थोड़ा ना कोई एडजस्ट करके जाना पड़ता है। तो गया वहाँ पे मटेरियल अनलोड किया, फिर वहाँ से जो निकला ना गाइस कस्टमर से ना मैंने लगभग 800 रुपये लिए, झूठ नहीं बोलूँगा 800 लिए,
उनको मैं बोल रहा था 750-800 के बीच में कर दो, तो उन्होंने सीधा 800 रुपये कर दिया, कोई कुछ बोले नहीं। और उनको भी पता था, एक दिन पहले वो दूसरे को भेज रहे थे, अभी मैं फ्री नहीं था, तो भाई वो तो पूरा परेशान हो गया था, इसलिए आज उन्होंने मुझे सिर्फ कॉल किया कि तू फ्री है तो तू आ जा करके। वो तो उसके बाद गैस थोड़ा बोलते ना, लगभग 1.5 घंटा वेट करने के बाद फिर मुझे वापस एक ट्रिप मिला बॉर्डर पर, जो कि गाइज मेरा पिकअप लोकेशन था, आपने देख लिया होगा, सांदेकृत वेस्ट में। और गाइज मेरा जो ड्रॉप लोकेशन मलाड वेस्ट में था, वहाँ पे भी मतलब बोलते ना अच्छा खासा अमाउंट था, जैसे कि आप यहाँ पे गाइज देख सकते हो, पूरा पोर्टर का कमीशन वगैरह देके मुझे ना गाइज 566 बचा है। और गाइज 566 प्लस 800 पूरा टोटल करेंगे ना गाइज लगभग 1300 के बीच में ऐसा कुछ अपना अर्निंग हो चुका है, तो बहुत कम हो गया। और अभी मैं CNG भी भरा नहीं हूँ, अभी सुबह जाके CNG भरूंगा, मेरा मूड ही नहीं है सब करने का, सच्ची में एकदम दिमाग पूरा खराब हो चुका। और ऊपर से इतना धूप था ना गाइस, बेकार पूरा गर्मी हो गया सच्ची में। जो भी भाई ड्राइवर वगैरह रहेंगे उनके बहुत परेशान रहेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। सो अभी क्या घर पे जाके फ्रेश होने का, नहाने का, और क्या ही, उसके बाद एडिटिंग, फिर वापस कल वही अपना रूट चालू रहेगा और क्या। लेकिन कल थोड़ा कवर करेंगे, कल थोड़ा बहुत टाइम के बाद जाऊंगा घर, जल्दी नहीं जाऊंगा, तो थोड़ा अभी आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, कल से जल्दी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो फिलहाल अभी गाइज ब्लॉग ये पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।